हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स एक सीडी रोम को ओपन करेंगे जो कि एक पुराने लैपटॉप से। और फ्रेंड्स जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए, और फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड तक जरूर बना। साथ ही फ्रेंड्स जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग डेट को नोटिस किया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इस सीडी रोम के अपर कवर को ओपन कर रहा हूँ जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसके सभी स्क्रूज को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसके अपर कवर को रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स इसका अपर कवर रिमूव हो गया है, और यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं ये इसकी PLDC मोटर, और यहाँ पे इसका भी एक लेंस देख सकते हैं जो हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क पे रिटर्न डेटा को रीड करता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसका एक लॉक मैकेनिज्म देख सकते हैं जिससे हमारी ये ट्रे बाहर आती है इस पूरे होल केस से। यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसका ये फ्लेक्स केबल देख सकते हैं जो इस एक कनेक्टर से कनेक्ट है जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसका लॉक मैकेनिज्म देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। नाउ फ्रेंड्स अब हम इसके दूसरे कवर को ओपन कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसके दूसरे कवर को भी रिमूव कर लिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसके पूरे होल सिस्टम को देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी BLDC मोटर, स्टेपर मोटर, लॉक मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट और फ्रेंड्स एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसका एक लॉक मैकेनिज्म देख सकते हैं जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं छोटी सी चीज़, फ्रेंड्स ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसमें एक छोटा सा पुश बटन भी देख सकते हैं, यही है फ्रेंड्स इसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये लॉक। इसके अंदर फ्रेंड्स एक परमानेंट मैग्नेट है जिसकी वजह से ये इसमें परमानेंट स्टिक हो जाता है जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट नहीं रहता है। नाउ फ्रेंड्स अब हम इसके सभी फ्लेक्स केबल को रिमूव कर लेते हैं सर्किट बोर्ड पे से। नाउ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसके सभी फ्लेक्स केबल को रिमूव कर लिया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी मैंने इस पे से रिमूव कर लिया है जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यही फ्रेंड्स इस पूरे सीडी रोम के सिस्टम को कंट्रोल करता है, जितने भी इसमें मैकेनिज्म हैं, मोटर्स, स्टेपर मोटर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक और लेंस भी साथ में। नाउ फ्रेंड्स अब हम इसके BLDC मोटर को इसमें से रिमूव कर लेते हैं।
ये फ्रेंड्स इसका BLDC मोटर जिसके ऊपर हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क रोटेट करती है, देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें कितना स्लिम है। और यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी कनेक्टिंग फ्लेक्स केबल देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स अब हम इसके स्टेपर मोटर को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसका स्टेपर मोटर कितना छोटा है। फ्रेंड्स ये स्टेपर मोटर का फ्रेंड्स काम है ये है कि रोटरी मोशन को ये फ्रेंड्स ये लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स के ऊपर छोटे से स्पायरल कट्स कटे हुए हैं थ्रू आउट द लेंथ। नाउ फ्रेंड्स अब हम इसके लेंस को रिमूव कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये इसका लेंस जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स के सेंटर में एक छोटा सा लेंस है जो कि फ्रेंड्स मूव भी कर सकता है बैक एंड फॉर, बिल्कुल ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन सेंसर्स की तरह। फ्रेंड्स इसे हम किसी और वीडियो में पूरी तरह से डिसमेंटल करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वैसे भी हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है इस पूरे सिस्टम को ओपन करते वक्त। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारा स्टेपर मोटर किस तरीके से इसको आगे पीछे करता है एक साथ ये सभी मैकेनिज्म वर्क करके। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स इन ग्रूव्स में ये छोटे से जो स्पाइक्स निकले हुए इस लेंस से वो उस ग्रूव्स में फंस जाते हैं और इस तरीके से ये इसके रोटेशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है जो कि आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स हमने इसके ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स को इसमें से रिमूव कर लिया है। फ्रेंड्स आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि पता नहीं, लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक छोटी सी स्प्रिंग देख सकते हैं जो कि इस बॉडी के अंदर छोटे से होल में है। फ्रेंड्स वो स्प्रिंग का काम ये है कि उस शाफ्ट पे एक अपवर्ड फोर्स लगाना है जिससे कि वो वाइब्रेट वगैरह ना करे। यहाँ पे फ्रेंड्स ये लास्ट कनेक्टर देख सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती है। और फ्रेंड्स आप उसी कनेक्टर में छोटी सी स्विच भी देख रहे होंगे ये ब्लैक वाला। इसका काम ये है कि फ्रेंड्स जब हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क में हम लोड कर देते हैं तो ये फ्रेंड्स एक फीडबैक देता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क में लोड हो गई है और उसके बाद हमारी एंटायर सिस्टम वर्क करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसके सभी पार्ट्स को देख सकते हैं जो भी हमने सीडी रोम में से निकाले हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स और मैकेनिज्म मिलके इस एंटायर यूनिट को बनाते हैं। सो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मुझे बताएं। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। हम दोबारा एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।